सूरज के तेवर तीखे हैं, दिन तो क्या शाम के वक्त भी गर्मी असहनीय होती जा रही है। नौतपा भी चल रहा है जो कि 1 जून तक जारी रहेगा। रादौर में भी दिन में पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रोक व तापमान का खतरा बढ़ गया है। चिकित्सक भी मान रहे हैं कि बढ़ती गर्मी के कारण शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा सकता है। ऐसे में चिकित्सक हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज को हीट स्ट्रोक से बचने की खास एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के SMO डॉक्टर विजय परमार का कहना है कि इस भीषण गर्मी में थोड़ी सी लापरवाही भी शरीर पर भारी पड़ सकती है। देखिए, जैसा आप जानते हैं, एकदम से गर्मी पड़ी है और सरकार द्वारा भी इसके बारे में हिदायतें जारी करी जा चुकी हैं। हीट वेव जो है, इस वक्त आप देख रहे हैं टेम्परेचर 45-46 डिग्री एकदम जा रहा है और गर्म खुश्क हवाएं चल रही है। हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, ज्यादातर लूज मोशन के साथ आ रहे हैं या वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं, फीवर उनको साथ में है। तो इसमें मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप अपने घर से बाहर बेमतलब ना निकले, बेवजह बाहर ना जाए, पानी भरपूर मात्रा में पिए, ORS का इस्तेमाल करें और कोई भी चीज मार्केट से या बाजार से ऐसी लेके ना खाएं जो खुली हो। आपने अगर लेनी है, जैसे अब क्या तरबूज आ रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, वो खाएं। इसी तरीके से तरल पदार्थ, हरी सब्जियां, उनका सेवन ज्यादा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण, जैसे कि बहुत मुंह सूख रहा है या पेशाब नहीं आ रहा या ऐसा प्रतीत होता है कि आंसू कम आ रहे हैं या चिड़चिड़ापन है, तो तुरंत प्रभाव से आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से संपर्क करें। साथ में अगर आपको लूज मोशन लग रहे हैं ज्यादा, तो आप इस बात की इंतजार ना करें कि वो खुद ठीक हो जाएंगे। आप अपना जो है एक उसके लिए चिकित्सा अधिकारी से मिलें और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर। जो हीट वेव से प्रभावित आप देखिए, तो उनको यह है कि सूखापन उनकी बॉडी में आएगा, जैसे पसीना ही उनको आ रहा, गर्मी अंदर से उनको ऐसा लगे जैसे आग निकल रही है। दूसरा ये है कि आंखें बर्निंग होंगी, जैसे आंखें जल रही हैं, जी सूखी होगी, पानी की प्यास उनको बहुत लगेगी और जितना पानी पिए, जब वो पेशाब करने जाएंगे तो आप देखेंगे उनका पेशाब बहुत गाढ़े रंग का पीले रंग में आ रहा है। और इवन कई बार तो लोगों को ये ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनको इन्फेक्शन हो रहा है, जबकि वो इन्फेक्शन न होगी, पानी की कमी है। वो हाई ग्रेड फीवर हो सकता है और क्या कहते हैं, पेट खराब हो सकता है, लगातार लूज मोशन, वॉमिटिंग हो सकती है। और अगर वो फिर भी इससे अपना ट्रीटमेंट ठीक नहीं करते, तो इवन ये भी है कि उनको क्या नाम है, सोचने समझने में उनको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो है वो अपना ध्यान रखें और पानी का और ORS का इस्तेमाल करते रहें। दिन ब दिन बढ़ता तापमान हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार बढ़ रही गर्मी खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिन और अत्यधिक गर्मी होने व लू के चलने की संभावना जताई है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने सलाह दी है कि नागरिकों को विशेष सावधानी व बचाव करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।